इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अब हम ये स्टडी करेंगे, देखें इसके तो क्वाइट सिंपल मीनिंग क्या हो सकते हैं जो कि कॉमन सेंस से आपके सामने आ जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी वाई इज इक्वल टू क्या है साइन ऑफ एक्स, ओके मींस के इस जो एक्स है इसको आप आर्गुमेंट कहते हैं वो रेडियन में होना चाहिए, या क्योंकि रेडियंस जो है वो रियल नंबर्स होते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर रेडियंस में ही इनको डिस्कस करते हैं और डिग्रीज में इसलिए नहीं करते क्योंकि डिग्रीज जो से होते हैं वो एग्जैक्ट रियल नंबर्स नहीं होते, इसलिए हम उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू रेडियंस। तो फिर ही इसके जो उनसे है अलजेब्रिक और कैलकुलस के जो फीचर्स हैं वो हमारे सामने आते हैं। एनी हाउ आए जी इसको डिस्कस करते हैं। अगर आर्गुमेंट की वैल्यू गिवन है तो आप साइन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं, लेकिन इनवर्सली आप क्या कहेंगे कि अब नहीं मेरे पास सारा फंक्शन ये गिवन है और मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये इसका मतलब है। इनवर्स फंक्शन डिफाइन करते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या आता है एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आप क्या कहते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये है जी ये किसका इनवर्स फंक्शन। डिटेल से देखते हैं कि ये कैसे डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल देखें आपके पास होता है जी वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, तो हमने ये स्टडी किया कि साइन का जो फंक्शन होता है इसका पीरियड होता है 2 पाई और उसके मल्टीपल्स वेयर के इज एनी इंटीजर, ओके तो यहां से आप साइन इनवर्स अप्लाई कर दें तो साइन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या देगा एक्स प्लस 2k पाई, ओके और चले यहां से एक्स इज इक्वल टू कह दें आप क्या जी साइन इनवर्स ऑफ वाई माइनस के पाई और x इज इक्वल टू क्या है जी साइन इनवर्स ऑफ y प्लस 2 ऑफ माइनस के पाई, और यहां पर आपको पता होना चाहिए कि k क्या कहा हुआ है आपने, k बिलोंग्स टू इंटीजर और इंटीजर्स क्या होते हैं जी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन। वेल तो यहां से आप इसको फर्दर कह दें कि x इज इक्वल टू क्या है जी साइन इनवर्स ऑफ y प्लस 2 ऑफ n पाई, अब ये n जो उनसे आपने माइनस k कह दिया n इज इक्वल टू क्या है जी माइनस k और ये भी इंटीजर को बिलोंग करेगा, मींस के यही इंटीजर्स ही रहेंगे लेकिन ऑर्डर जरा रिवर्स हो जाएगा लेकिन कोई ओवरऑल इनमें डिफरेंस नहीं आएगा माइनस प्लस 3 एंड सो ऑन, मींस के प्लस माइनस इधर भी लेने हैं इधर भी प्लस माइनस आपने लेने हैं, तो ये है जी आपका इनवर्स रिलेशन। तो आप देख रहे हैं कि फिर वही बात कि हम इस चीज को अगर लें तो ये इनवर्स फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, तो आप कहेंगे कि कोई सा फंक्शन से आप कहते हैं जी ऑफ एक्स है ये क्या है जी साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 2n पाई, तो देखें ये जो n है वो बिलोंग्स टू क्या कर रहा है इंटीजर, तो एज ए होल आप देख सकते हैं कि ये क्या है एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है या मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, और हमने डिस्कस किया था कि वेन एवर डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन नहीं माना जाता क्योंकि वो वर्टिकल लाइन टेस्ट को क्लियर नहीं कर रहा होता। तो हम यहाँ पर इसको चॉप कर देते हैं, चॉप करने का मतलब क्या है एन इज इक्वल टू जीरो पुट करें तो देखें जी यहां से क्या देगा कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये आपका होगा प्रिंसिपल वैल्यू एच ऑफ एक्स कह दें, ठीक है ये नोटेशन है। अब ये क्यों करने का मकसद है कि ये 2n पाई के लिए n को जीरो ही क्यों पुट किया आपने, वंस अगेन इनवर्स फंक्शन का आपको क्राइटेरिया समझ आ जाना चाहिए था जो हमने बताया था आपको कि y इज इक्वल टू x आपकी एक लाइन है और ये आपका होता है जी साइन x का ग्राफ। क्या डिस्कस हुआ था जी कि ये साइन x है, इस लाइन को अगर आप मिरर माने यही रिफ्लेक्शन के थ्रू ये y एक्सिस पर आ जाएगा, आप देख सकते हैं अब जब ये फंक्शन है तो इसके ऊपर आप अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करें फंक्शन ही डिफाइन नहीं होता है, यहाँ डिफाइन है तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, तो डेट्स वाई अब यहाँ पर क्या करते हैं हम इनवर्स फंक्शन के लिए हम इसको कन्फाइन कर देते हैं। साइन एक्स आपका 1-1 नहीं था क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन मोर देन 1 पॉइंट पर मीट कर रही थी तो इसलिए इनका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं किया, लेकिन अगर आप इसकी डोमेन को कन्फाइन कर दें बिटवीन x इज इक्वल टू π
पाई बाई टू एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। तो साइन का फंक्शन है जी, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 1, इधर मिनिमम वैल्यू। अब इसको जितनी मर्जी आप हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करें, या आप देखेंगे कि ये इसको एक ही पॉइंट पर मीट करेंगी। तो स्टूडेंट, ये हमने देखा कि इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें इसके पीरियड्स को प्रिंसिपल वैल्यूज लेनी पड़ेगी, जिस पर इसकी डोमेन क्या हो जाए वो 1-1 फंक्शन बना दे साइन की। तो जस्ट हमें कन्फाइन करना पड़े एक्स को बिटवीन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब इसकी जरा रिफ्लेक्शन देख लें। सबसे पहले ये आपकी लाइन आ गई, वाई इज इक्वल टू एक्स। हाँ जी, साइन एक्स का ग्राफ जो मैक्सिमम है 1 पर, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू पर, और इधर से ये माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। ओके, तो इसकी रिफ्लेक्शन क्या होगी जी, ये देखें वाई एक्सिस के अबाउट, तो ये इसकी रिफ्लेक्शन, इतना पोर्शन जो सा होगा इसकी, ये रिफ्लेक्शन आ जाएगी। तो ये है जी आपके पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ। तो रिफ्लेक्शन अबाउट मीन्स के इस साइड की उस साइड पर, उस साइड की इस साइड पर रिफ्लेक्शन आ जाएगी। वेल, यहाँ से हमने देख लिया कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर y डेफिनेटली जोन सा होना चाहिए माइनस प्लस पाई बाई टू, प्लस पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू के इन बिटवीन होना चाहिए। सिमिलरली आपके पास होता है जी cos x का ग्राफ, तो cos x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है जी। ओके, फिर वही बात कि यहाँ पर इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी दो पॉइंट्स पर मीट कर रही है, तो इधर हम इसके डोमेन को कन्फाइन कर देते हैं बिटवीन, ये x इज इक्वल टू जीरो है और ये x इज इक्वल टू पाई है। तो अगर आप कहते हैं y इज इक्वल टू cos x है, तो यहाँ पर इनवर्स फंक्शन के लिए फॉर cos इनवर्स ऑफ x जोन सा है, y जोन सा है वो लाई करना चाहिए cos इनवर्स x के लिए, जोन सा y हो वो लाई करे cos इनवर्स ऑफ x। अगर आप से कहते हैं वो g ऑफ x है, तो यहाँ पर डेफिनेटली ये cos इनवर्स ऑफ x जोन सा है वो लाई करेगा बिटवीन 0 एंड पाई, पाई और 0 के इन बिटवीन वो लाई करेगा। रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे आएगी, भी हो गया। इसी तरह आपका tan होगा, अगर y इज इक्वल टू tan x है, तो tan x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। आपको पता है इसमें भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, एक ही पॉइंट पर मीट कर रही है। तो अगर दूसरी आप ब्रांच ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए भी आप कहेंगे कि जोन सा tan ऑफ x, जो tan इनवर्स ऑफ x है, वो जोन सा है माइनस प्लस पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू के इन बिटवीन होना चाहिए, क्योंकि इसी डोमेन में ये 1-1 फंक्शन होगा, और 1-1 फंक्शन है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल।